हेलो गाइस, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। तो फाइनली मैं आज बनारस जा रहा हूँ। मेरे को रास्ते में टाइम नहीं मिल पाया ब्लॉग बनाने का कहीं भी, क्योंकि कल रात में मैं चित्रकूट से निकला 2:30 बजे रात को, इलाहाबाद पहुँचा, अभी एक ट्रेन मिस कर दी। और फिलहाल में मैं अभी बनारस की सिविल लाइन बस स्टैंड से प्रयागराज से बनारस के लिए बस पकड़ चुका हूँ और बस में बैठ चुका हूँ। अब ये बस चलेगी और हम बनारस पहुँचेंगे समथिंग 1 बजे के आसपास के अप्रॉक्स। तो आइए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको आगे बनारस के सफरों में। बनारस के शहर पहुंच के आपको दिखाते हैं बनारस का बस स्टैंड और जो जो वहां का फेमस है। गाइस, हमारे साथ कुछ हुआ ऐसा कि बस में कांच में काफ़ी ज़्यादा गैस बन चुके थे, इस वजह से आगे ड्राइवर साहब काफ़ी स्पीड चला रहे थे, तो पीछे आप देख सकते हैं बस का कांच टूट चुका है। तो ये हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया बनारस वाली ट्रिप में। फिलहाल अभी हम रास्ते पे हैं, काफ़ी पहले निकल चुके थे और यहाँ से 3-3.5 घंटा लगेगा बनारस पहुँचने में। तो हम बनारस पहुँच के आपको दिखाते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं बनारस फिलहाल। अब यहाँ पे कहाँ पे बस स्टैंड है कुछ पता नहीं, अब ये बस स्टैंड तक हमें ले चले गए। हम लोग समथिंग लगभग 10:30 बजे इलाहाबाद से निकले थे और बस स्टैंड पहुँचेंगे, और बस स्टैंड पहुँचने के बाद आगे आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो हम बनारस पहुंच चुके हैं, अब यहाँ की गलियों में टहल रहे हैं, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं, आइए हम किसी से बात करते हैं, इसके बाद हमें कहाँ निकलना चाहिए कहाँ नहीं, बाकी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है फिलहाल, तो आइए हम आप बात करते हैं लोगों से, इसके बाद हम कहाँ जाएँगे कहाँ नहीं। हम ई रिक्शा ले चुके हैं, अब उसके बाद हम सारनाथ जा रहे हैं। सारनाथ म्यूजियम और यहाँ पे पीछे साइड काम चालू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, फॉरनर्स वगैरह भी हैं, और इस पे भी शायद एंट्री फीस लगती है एंटर करने के लिए जो भी हो। और मे भी आगे सेंटर होते हैं, यहाँ की मार्केट आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये म्यूजियम जो बना है आपका, ये बौद्ध पुष्प से बना है और यहाँ पे भी काफ़ी हाथी घोड़े हैं बनाए हुए। तो आप यहाँ जब भी आएँ अपना किराए की बातचीत करते रहें, और यहाँ भी काफ़ी सारे फॉरनर्स आते जाते रहते हैं। और बाहर से अभी हम सारनाथ म्यूजियम के बाहर हैं और यहाँ से देखते हैं टिकट का, ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो यहाँ पर बाहरी लोग ज़्यादा आए हैं, ये सब बौद्ध हैं। आगे क्या है? अच्छा, तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये जैन मंदिर टेंपल, यहाँ पे फिलहाल सारनाथ का, ये ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसा दिख रहा। और यहाँ पे एक भैया हैं जो बहुत प्यारा गाना बजा रहे हैं, आप सुन सकते हैं, सैया गाना पे बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो अभी इनसे बात करेंगे थोड़ा सा, कहाँ से क्या कैसे है। हम ये जैन टेंपल से फिलहाल निकल चुके हैं, अंदर नहीं गए जैन टेंपल पे, वहाँ पे एक भैया बजा रहे थे काफ़ी अच्छा। अब देखते हैं फिलहाल हमें कहाँ जाना है, पूछते हैं लोगों से आगे है कुछ या नहीं, क्योंकि लोग तो आ रहे इधर से। भैया आगे कुछ है अभी? हाँ। क्या है? आगे बहुत कुछ। अच्छा, आइए आगे चलते हैं। अब बुद्ध धर्म सांगा, यहाँ पे काम चल रहा बाहर साफ सफाई का, और ये यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बौद्ध धर्म का काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने। और अंदर के घूमने के लिए टाइम नहीं था, फिलहाल हम यहाँ आए हैं। और मेरे हिसाब से अंदर वहाँ पे तुम, यहाँ पे सिस्टम क्या है, टिकट आपको खुद करना पड़ता है। पार्क है जहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लोग यहाँ अपनी अपनी कन्याओं के साथ हैं, आप देख सकते हैं, अब जो भी इसे कहते हों, फिलहाल यहाँ पे हैं, काफ़ी अच्छा बना हुआ है फिलहाल। तो आगे एक मंदिर भी दिख रहा है, तो पास से दिखाते हैं आपको, और इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं वो आप दिखाते हैं खाने पीने के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, फाइनली एंड में बताऊंगा आप बनारस कैसे घूमे 2 दिनों में। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा समस्या है, ना कायदे से घूम पा रहे ना कुछ, बैग लिए हैं सुबह से मैं टहल ही रहा हूँ इसने 2 दिनों से। लेकिन ये इधर पे क्या है, काफ़ी अच्छा दिख रहा, तो आइए दिखाते हैं आपको पास से। टेम्पल है ये, कुछ ऐसा दिख रहा है, और उसके बाद हम इधर जा रहे हैं
यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, पेड़ वगैरह। और इधर पे हम चलेंगे, पार्क काफ़ी अच्छा, मतलब घूमने लायक ठीक ठाक है। आप उधर का पर एक चिड़ियाघर भी है यहाँ पे, आप जा सकते हैं नहीं जा सकते वो आपकी मर्जी के ऊपर है, लेकिन मेरे को फ़िलहाल वर्थ इट नहीं लगा इसलिए मैं नहीं गया। और टेंपल के अंदर अंदर से जाएंगे उधर पे, इधर भी एक टेंपल है, यहाँ भी अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शूज़ टेक ऑफ करना होगा। आ रहे हैं देन, तो फिलहाल ना टाइम नहीं है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, यहाँ से अब एग्जिट करूँगा, उसके बाद जाएंगे घाट साइड, क्योंकि टाइम हो रहा हमारा 4, 1 घंटे हमें 1.5 घंटे घाट पहुँचते पहुँचते लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको वहाँ का दिखाता हूँ सारा माहौल कैसा क्या रहने वाला है। वो फिलहाल यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आ रही है, यहाँ से निकलते हैं गाइस, चलते हैं कहीं और। तो थोड़ा ध्यान से घूमें, क्योंकि यहाँ पे भी मतलब ऐसा तो है बनारस में, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे बौद्ध का थोड़ा प्रचार ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। महाबोधि इंटर कॉलेज है और मेरा पेपर अभी पता नहीं कौन सा उस पर है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसका नाम चाइनीज टेम्पल क्यों रखा गया, पहले बात तो मुझे इससे समस्या है, साला इसका नाम बदलो पहले, चाइनीज टेम्पल से कुछ और रखो। और उसके बाद अच्छा द चाइनीज हम बुद्ध पे आ चुके हैं, और ये पास में ही है, यहाँ पे बोर्ड लगा था वहाँ से पास में है, और BHU बनारस वो सब बनारस में है, और ये सब दूसरे एरिया में आता है, इसका नाम नहीं पता। हम एंटर कर रहे हैं अब यहाँ पे, और यहाँ फाइनली मेरे 10,000 स्टेप्स हो चुके हैं। अब ये चाइनीज़ भाषा में पता नहीं क्या निकला है, हमें तो पता ही नहीं है भाई। आइए अब अंदर चलेंगे, दिखाते हैं आपको चाइनीज टेम्पल। यहाँ बुद्ध से रिलेटेड है सब कुछ, काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, तो हम इधर चलेंगे। अच्छा नो एंट्री है उधर पे, ये यहाँ पे बना है बुद्ध का, प्लीज रूमीज अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो, फिलहाल हमें वहाँ नहीं जाना है तो हम नहीं उतारेंगे इसे। और हम इधर से सर अंदर नहीं जा सकते, ओके। चाइनीज़ टेंपल घूम के गए, हम चाइनीज़ टेंपल घूम के आ चुके हैं, और अब आपको यहाँ की मार्केट दिखाते हैं, खैर पहले भी दिखा चुका हूँ, अब हम देखते हैं कहाँ जाएंगे, जहाँ से आए थे मार्केट है, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अब ये यार नेपाली हैं या चाइनीज़ हैं या जापानी हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर देखो मौका लगता है तो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे काम चालू है, साफ़ सफाई हो रही काफ़ी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे घूमने वाले लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ सारनाथ में क्या है, आसपास में ही काफ़ी सारे टेम्पल हैं, कुछ में आप जा सकते हैं विदाउट टिकट, कुछ में नहीं जा सकते हैं। अब इन सब की डिटेल्स वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे आपको घूमना है, यहाँ का आपको दिखा ही चुका हूँ, अब आइए चलते हैं आगे। ये है बनारस और ये है आपका सारनाथ टेम्पल के आसपास, तो कैसा बजा रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, आओ चलते हैं आगे। चालू है और कुछ ऐसे डिजाइन ऐसे नक्शे बनके तैयार हो रहे हैं, और इधर पे आवाज़ आ रही बहुत ज़्यादा जनरेटर के, लेकिन ऐसे बन रहे हैं, और ये देखिए लिखा जा रहा, फिर यही चीज़ लगा दी जाती है, मतलब आप समझ रहे हैं इंडिया कितना टैलेंटेड है, अच्छा अच्छा बना रहे हैं और लगाएंगे अभी, मतलब काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और फिलहाल मेरे फ़ोन में बैटरी कम है। मोमोज कहते हैं भैया के मोमोज काफ़ी अच्छे हैं, अब भैया हमें बताएंगे आगे के लिए, गाइड करेंगे कि कैसे हम घूमेंगे। हाँ भैया का मोमोज आप देखिएगा, और आप अगर सारनाथ साइड हैं तो भैया का मोमोज ट्राई करें, बहुत बेहतरीन मोमोज बनाते हैं भैया। और उसके बाद अब हमें भैया बताएंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। भैया आपका नाम? राहुल कुमार। राहुल कुमार, तो भैया यहाँ के लोकल के ही, भैया आप यहाँ लोकल के ही हो? हाँ। और फिर भैया बताएंगे रात के आते किसके यहाँ होते हैं भैया। इसके बाद अब कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से मैदानी किराया 40 रुपये है। हाँ मैदानी उतरिएगा, वहाँ से काशी विश्वनाथ निकलिएगा। हाँ थोड़ा देर हो गया, काशी विश्वनाथ से दर्शन कीजिएगा,
वहीं से घाट का रास्ता गया है, मणिकंठा घाट। हाँ, ये घाट काफी फेमस भी है और ज्यादा फेमस है और ये रात में भी चलता है। हाँ, पूरा 24 घंटा ओपन रहता है यहाँ का घाट। हाँ, 24 हाउस यहाँ पे आप घाट घूम सकते हैं। यहाँ टोटल कितने घाट हैं? यहाँ पे आपके 84 घाट हैं। 84 घाट हैं। हाँ, मतलब सारे घाट अटैच हैं, आप कहीं से लेके 84 घाट है। अभी नमो घाट नया बना है। हाँ, 83 घाट है। और सबसे बढ़िया आरती किस घाट पे होती है रात की? दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट यहाँ जाने के लिए कैसे क्या करेंगे? अस्सी घाट यहाँ दशाश्वमेध घाट जाने के लिए कैसे क्या करेंगे? दशाश्वमेध घाट जाना है तो यहाँ से आप बस पकड़िए। हाँ, जाएगा आपका बीएचयू। हाँ, कैंट 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 से भी आप जा सकते हैं। हाँ, आप चाहेंगे कि बीएचयू वहाँ से 80 है, 80 से भी आप नाव पकड़ से वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, 80 घाट से डायरेक्ट जा भी सकते हैं? वहाँ से भी आप एक नाव से पूरी घाट घूम सकते हैं। अच्छा, नाव का फेयर, नाव का चार्ज कितना होने वाला है? 200-300 रुपए एक व्यक्ति का लेते हैं। अच्छा, घुमाने का। अब वो आराम से एक दो घंटे घुमाते हैं। 84 घाट पूरा घुमाएंगे, पूरे 84 घाट घुमाएंगे। 84 घाट। हाँ तो ठीक है, मतलब वर्थ इट है। हाँ, के आसपास कोई आरती होती है? काशी विश्वनाथ के पास आरती नहीं होती, दशाश्वमेध घाट पे होती है। अच्छा, मेन दशाश्वमेध थोड़ा सा आगे। उसका टाइमिंग क्या रहने वाला है रात का? शाम को 6 बजे। मतलब गाइस, तो मैं फिलहाल अभी दुर्गा कुंड आ चुका हूँ और अगर आपको 80 घाट जाना है तो आप दुर्गा कुंड उतरें। दुर्गा कुंड से 80 घाट काफ़ी पास पड़ता है। अब मैं यहाँ से दुर्गा कुंड जाऊँगा, नहीं सॉरी, दुर्गा कुंड उतराऊँ। तो गाइस, मैं चल चुका हूँ इन गलियों के अंदर से, यहाँ से काफ़ी पास है, 800 मीटर है, तो इतना हम पैदल जाएंगे। फिलहाल मैं अभी तक कहीं नहीं गया हूँ, अभी एक दोस्त है उसके यहाँ रुकूँगा, तो 800 मीटर तक पैदल। ऑटो की गलियों में टहलते हुए अब यहाँ से एक शॉर्टकट पड़ेगा, जहाँ से एक राइट टर्न लेना है, उसके बाद एक और टर्न लेना है, उसके बाद हम 80 घाट पहुँचने वाले होंगे। अब 80 में हम 80 की गलियों पे आगे से ही यहाँ से ज़्यादा 140 मीटर दूर में घाट दिखा रहा है। अब वहाँ आरती का क्या माहौल है आइए हम समझेंगे। यहाँ भीड़ शाम काफ़ी अच्छी हो चुकी है, लोग भी दिखाई देने लगे हैं। मतलब घाट आप देखो, एक और घाट है दशाश्वमेध घाट करके, आप वहाँ भी जा सकते हैं। उसके बाद आप जो आपको प्रिफर लगे, मेरे को 80 सही लगा, इस वजह से मैं 80 घाट जा रहा हूँ। अब यहाँ के देखो काफ़ी चीज़ें ट्राई करेंगे, खाएंगे और लास्ट में यहाँ का पान भी खाएंगे। देख सकते हैं यहाँ गंगा आरती की तैयारी हो चुकी है, ये इधर पे सब कुछ आरती की तैयारी हो चुकी है, उधर भी दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अगर आपको गंगा आरती देखनी है तो यहाँ का टाइम है 6:19, मतलब 6:30 के आसपास यहाँ की गंगा आरती शुरू होती है 80 घाट के। और फिलहाल अभी हम 80 घाट में हैं, यहाँ आरती शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं I'm
की आरती कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ प्रसाद मिलने लगा है। और यहाँ दो, ये फिलहाल 80 घाट है और यहाँ पे दो आरतियाँ होती हैं, एक उस साइड महादेव की शायद मेरे हिसाब से, और एक इधर साइड गंगा आरती। तो मैं गंगा आरती में था, इसका मेरे पास वीडियो है, मैं अभी सारे डालूँगा, आप लोग चैनल को ध्यान से देखें गाइस और मुझे सपोर्ट करें। और कल आपको मैं दिखाता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर दिन में और मणिकर्णिका घाट, जो भी होता है कल मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ की चीज़ें। फिलहाल ये इसका हो चुका है, अब अगर होगा तो 10 समेत घाट है, एक उधर भी है, एक इधर भी है, किसी ने हॉट एयर बैलून भी उड़ा दिया है और ये बोट आ गई है, देखते हैं हम ट्राई करते हैं कैसे क्या होने वाला है। दिया जला के सब पानी में बहा रहे हैं, यहाँ काफ़ी सारी नाव लगी हुई हैं, यहाँ टोटल 84 घाट। तो गाइस हम बोट में बैठ चुके हैं और फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, देखो मणिकर्णिका घाट। और बोट का फेयर साहब काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा रश भी है, देख सकते हैं आप, यहाँ सबको वो पहना रहे हैं। लेकिन फिलहाल तुम्हारा नेपाल के महाराजा बहादुर शाह को जाता है, तो वही राज राजेश्वरी घाट के निर्माण का श्रेय सिद्ध गिरी जी को जाता है। कालांतर में नेपाली एवं राज राजेश्वरी घाट ललिता घाट में ही समाहित हो गए। ऐसी मान्यता है कि अश्विन मास के कृष्णा तृतीया के दिन ललिता तीर्थ में स्नान क्रैश होते होते बची थी बगल वाली नाव से और हमने काफ़ी ज़्यादा फोटो शूट वगैरह कर लिया है। लग रहा बगल वाले नाव का पायलट कमज़ोर है, लाल क्रैश नहीं हुई है और हम पहुंचने वाले हैं, इसके बाद दिखाते हैं आपको आगे। बहुत महंगा रहता है ना टिकट, इसका कितना रहता है? 25,000। कितने दिन भर भी बस 25,000 का बुकिंग 4 से 5 घंटा है। सैर करने के बाद हम आ गए हैं वापस, अब देखते हैं कहाँ बात करते हैं। अभी हमने चाय पी, अब देख सकते हैं, आइए यहाँ भैया से पूछते हैं। भैया ये बताएं 80 घाट इतना फेमस क्यों है? भैया वरुणा धन 80, हाँ वाराणसी होता है, हाँ तो वरुणा नदी और 80 नदी का संगम ही वाराणसी होता है। तो 80 नदी देखेंगे तो यहाँ की पहले विलुप्त हो चुकी है, पहले यहाँ से होती थी, हाँ 80 पर ही, हाँ 80 पर ही वो गंगा बहती थी 80 नदी, अच्छा उसी के नाम पर ये 80 घाट हुआ है। ये आपका सुबह बनारस बाद में निर्माण हुआ जब मोदी जी आए फसला चलाए तब, अच्छा नहीं तो पुरानी 80 घाट वही है। और यहाँ के वो 10 समेत एक घाट है वो, हाँ, भी बहुत फेमस है, वो सबसे पुराना घाट है, हाँ माँ शीतला का वास है वहाँ, हाँ और बदौलिया चौराहा है, हाँ जो कि बनारस का आंगन कहा जाता है, नंदी चौराहा। कौन सा चौराहा? बदौलिया, हाँ वो बनारस का आंगन है, अच्छा बीच में केंद्र है, हाँ व्यापार का भी। अच्छा ये पानी कितने गहराई में होगा लगभग? इसका गहराई कोई बता नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, इसको कोई नाप भी नहीं सकता है, हम आप अंदाजा बता सकते हैं मगर इसको। अच्छा ये वहाँ से वहाँ तक घाट ही है पूरे? पूरे पूरे 84 घाट है जो इतिहास के पन्ने में लिखा जाता है। उधर साइड से लेके इधर कितने घाट हैं? उधर का घाट का कोई गिनती नहीं है। अच्छा जो इतिहास में गिनती है वो 80। पहला घाट कौन सा है? पहले नंबर पे कौन सा घाट आता है? राजघाट, उधर से, उधर से राजघाट, हाँ और फिर इधर पे आते हैं। आपको सारे घाट के नाम पता है? लाइन से है जैसे 80 है, रीवा है, भदेनी है, हाँ। गंगा महल है, पंपुआ है, केदार है, हरिचंद्र है, हनुमान है, इसी तरह पूरा घाट है, गाय घाट है, प्रहलाद घाट है। अच्छा मणिकर्णिका घाट हमेशा खुला रहता है? भाई वहाँ मणिकर्णिका घाट पे लाखों सब आ रहे हैं, हजारों सब आ रहे हैं वहाँ पे बराबर, हाँ। वो सब घाट तो हमेशा कोई काल। अच्छा जैसे बाकी जहाँ से भी हॉस्पिटल के सब आते हैं सब यहीं आते हैं? हॉस्पिटल के सब आते हैं, दूसरे प्रांत के सब आते हैं, दूसरे जिला दूसरे प्रदेश से भी आते हैं, दूसरे प्रदेश से भी आते हैं, दूसरे प्रदेश से भी आते हैं, मान्यता है इसकी। अच्छा इसने मणिकर्णिका घाट इतना फेमस है, जीने से ज्यादा मरने की इच्छा रखते हैं बनारस में, हाँ ये तो सुने हैं हमने, हमारा प्राण चला जाए। अच्छा ये जो कहा गया 22 तारीख को नाव फ्री थी, इसका क्या था? ये मोदी जी की तरफ से फ्री थी या यहाँ के नाव? ये भगवान
भगवान राम के खुशी में कुछ लोग अपने से फ्री चलाए थे, फ्री किए, कुछ लोग अपने से मिठाई फ्री किए, कुछ लोग कपड़ा फ्री किए, कुछ लोग बांटे। और यहाँ रात भर ऐसे ही खुला रहता है, यहाँ चहल पहल शोर में भी सुकून है, शोर में भी सुकून है। हाँ, नदी के किनारे खैर सुकून होता ही है, कह दिया तो घाटा। चलिए भैया मिलते हैं फिर, भैया की चाय आप पी सकते हैं। भैया आपका नाम? सूरज यादव। सूरज यादव, सूरज यादव ये भैया यहाँ पे चाय लगाते हैं अस्सी घाट के पास, आप यहाँ इनकी चाय पी सकते हैं, बहुत बढ़िया चाय पिलाते हैं, हमने अभी पी है। ठीक है भैया, तो आइए चलते हैं आगे की ओर। अब फिलहाल हम चलेंगे सीधे हॉस्टल, हम आ चुके हैं श्री विश्वनाथ मंदिर, और ये विश्वनाथ मंदिर है बीएचयू के अंदर का। तो आइए हम यहाँ अंदर चलेंगे, बाहर बाहर से घूमेंगे, एकदम अंदर नहीं जाएंगे। अब दिखाते हैं अंदर से कुछ कैसा दिखता है। देख सकते हैं आप, ये कुछ बाग बगीचा बना रखा है, और कुछ ऐसा दिख रहा कहाँ से विश्वनाथ मंदिर पास से। और ये बीएचयू वाला है, जब बीएचयू वाला इतना अच्छा तो अंदर वाला भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, बस रास्ते मुझे जगह दौड़ने नहीं। और ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ से, ये सारे हॉस्टल हैं बीएचयू आईआईटी के। मतलब आप समझ रहे हो कितना बड़ा है बीएचयू, आधा देखा है। और उधर तक काशी विश्वनाथ, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने हैं तो कैसे क्या करें हम लोग, सामान वामान रखना है तो खाली आप जाइए विश्वनाथ मंदिर जाइए। हाँ, लॉकर है। हाँ, लॉकर में अपना सामान रखिए। हाँ, ठीक है। हाँ, लॉकर जो लॉकर में फ्री सेवा है, फ्री सेवा सरकारी है, सरकारी है। हाँ, फ्री सेवा। और आप जो वहाँ जहाँ लॉकर है, हाँ, वहाँ लॉकर में आपका जो है सामान रखे, वहाँ जो पूजा का सामग्री लेंगे, हाँ, उसका पैसा लगता है। अच्छा, और कोई अब पंडालों के चक्कर पड़िए मत, पंडालों सब चले यहाँ चोर है, सब चोर है, महा चोर है, महा चोर, विश्व के चोर है पंडित, यहाँ के यहाँ के पंडित विश्व के चोर है, विश्व के चोर है। अब प्रशासन भी यहाँ का चोर है, प्रशासन तो हर जगह का चोर है, खुद दर्शन करा के पैसा लेता है, दर्शन भी, प्रशासन तो हर जगह का चोर है। कॉरिडोर जाएंगे, कॉरिडोर बना पैसा वसूलते है। आप पहले जाइए रिक्शा वाले टेम्पो वाले भरोसे मत, सब दलाल है हर जगह। जितने रोज के दर्शन करने वाले थे अब वो पुजारी हो गए हैं, जाके दर्शन कराएंगे 4,000-5,000। दर्शन करने वाले पुजारी हो गए। ये रात में जब मैंने देखा था आरती वाले में, तो ये उतनी अच्छी आरती की ये नहीं है मेरे मन के, सबका सिक्वेंस बैठ नहीं रहा था, अलग अलग कर रहे थे। जो जहाँ आरती होता है वो वीआईपी कोटा होता है, यात्री दर्शन करके आते हैं तो रोते हुए कलपते हुए आते हैं। हाँ, उनको ठग लिया जाता है। लेकिन यहाँ के घाट में बैठो अगर अकेले तो वो शांति मिल जाती है थोड़ी, बस हो गया। वो काशी का महत्व अलग है, प्राकृतिक देन है, बाबा भोलेनाथ का, शिव का नगरी है, यहाँ तो शांति मुक्ति के लिए लोग आते हैं, जीना ज्यादा मरने की इच्छा रखते हैं लोग। जो कुछ है विश्व के स्वामी यहाँ विराजमान है तो उसका तो असर। यहाँ सबसे बढ़िया शुद्ध दर्शन है, आप खुद पैदल जाइए, खुद आइए अपने मन से। हाँ, मतलब किसी के चक्कर में नहीं पड़े हैं, चक्कर मत, यहाँ सब दलाल है, सब दुनिया ऐसी हो चुकी है, खैर क्या करें। हाँ, तो गाइस यहाँ अंकल यहाँ पे पूड़ी वगैरह बनाते हैं, आप इनके यहाँ की पूड़ी ट्राई करें, काफी अच्छी बनाते हैं। ये मणिकर्णिका घाट से थोड़ा सा पहले बनाते हैं। अंकल आपका नाम क्या है? रमेश मिश्रा। रमेश मिश्रा, और तो अंकल के यहाँ आप ट्राई करें संगम वाले, ये मणिकर्णिका घाट के पास लगाते हैं। हाँ, इनके यहाँ की पूड़ी बहुत अच्छी है, 30 रुपए में 4 पूड़ी खिलाते हैं, बहुत टेस्टी रहती है, तो आप इनके यहाँ की पूड़ी खा सकते हैं, आके टेस्ट करिए। हाँ, आप जरूर टेस्ट करें अंकल के यहाँ की पूड़ी, और जो भी आपको समस्या हो अंकल के यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं बनारस के बारे में। तो आइए अब आगे, हमारी जन्मभूमि यही की है ना, आपकी जन्मभूमि भी यही है, मेरी जन्मभूमि। चलो यहाँ पे पुराने मंदिर, पुराने गलियों के बीच, और काफी पतली रास्ता यहाँ पे, इतनी ज्यादा जीने ज्यादा मरने की इच्छा रख रहे हैं आज के डेट में आने के लिए। मैं भी यहाँ देखने आया हूँ, यहाँ लकड़ी बेची जाती है, और आगे आगे चले दिखाते हैं आपको। कर्ण मणि गिरी थी जिसके कारण यह मणिकर्णिका घाट कहलाया। सन 1730 के आसपास पेशव बाजीराव और सदाशिव नायक ने इस घाट को पक्का बनवाया।
इस वजह से ये मन करने का, लेकिन काफ़ी अच्छे ब्यूटी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। लेकिन अब देखना वो चीज़ है जहाँ पर 100 जल रहे हैं, 100 कहाँ जल रहे हैं देखना है कि नहीं, ये पता नहीं कैसे। ये देख लीजिए आप, इधर को अंदर घुस चुका है लेकिन फिर भी ऐसा ही है। मतलब पहले के जो आर्टिस्ट थे वो काफ़ी अच्छा करते थे। मणिकर्णिका के हम मेन वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे मेन इसे मणिकर्णिका क्यों कहा जाता है। यहाँ पे देखो लकड़ी रखी हुई है और ये देखें यहाँ पे 100 जल रहे हैं। इधर से हो रहे हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं। इस नेस घाट में शांति सुकून और सब कुछ है। फिलहाल आओ चलते हैं नीचे। भाई देख लो चारों तरफ मतलब धुआं ही धुआं यहाँ पे, और हजार काफी मात्रा में यहाँ पे गाइस। अब इधर से हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर चढ़ेंगे और दिखाते हैं आपको सारा नजारा। हाँ भैया हैदराबाद से हैं, एक्चुअली हैदराबाद है पर हम भाग्यनगर बोलते हैं, तेलंगाना से। अच्छा तेलंगाना। हाँ। तेलंगाना भी बढ़िया जगह घूमने लायक है। अच्छा ही है। हाँ। पूरा घूम चुके हैं आप? हाँ वहीं पे हूँ ना। अच्छा हम जैसे यूपी में रह गए, पूरा यूपी तो नहीं है लेकिन। हाँ एक बात बोलो, आपका यूपी बहुत बड़ा है यार। यूपी बहुत बड़ा लेकिन यूपी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, एक से एक लोग यहाँ भगवान का नगरी बोले तो। तो फिलहाल हम एंटर कर रहे हैं, अब अंदर अपने शूज वगैरह सब रखेंगे जो भी होगा। मंदिर जाना है आपको? हाँ मंदिर जाना है। हाँ बैग वगैरह जमा कर लीजिए लॉकर में। हाँ अगर आपको प्रसाद लेना है तो वहाँ जमा करिए, प्रसाद नहीं लेना है तो यहाँ जमा करिए, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ क्या है? वहाँ भी लॉकर है, वहाँ भी फ्री है, वहाँ भी फ्री है, बट वहाँ प्रसाद लेना होता है। अगर प्रसाद कोई बात नहीं, हम आगे जमा कर देंगे। आगे नहीं है कहीं, आगे कहीं नहीं, नहीं, नहीं है यार, लॉकर दो नंबर गेट। हाँ दो नंबर गेट जाएंगे ना, हम एक नंबर की बात कर रहे हैं जहाँ खड़े हैं आप। अच्छा दो नंबर गेट अलग है, कोई बात नहीं हम जमा कर देंगे। बहुत लोग लेके जा रहे हैं साले, स्टार्टिंग से ये लोग चूतिया बनने लगते हैं। यहाँ है ये धार्मिक प्लेस पर बहुत, हर जगह का नियम है। धार्मिक प्लेस बनाया गया था इस वजह से कि लोगों को इतिहास के बारे में कुछ पता चला है। भगवान के पास भी लोगों ने इसे धंधा बना लिया कि अब हमारा धंधा चलेगा कमाई का तरीका। तो उसको गवर्नमेंट फ्री भी जाएगी, क्रिश्चियन है तो उसको फ्री भी जाएगी फ्लैट में। जब हिंदू की बात आती है ना तो हर जगह जात और धर्म के नाम पे केवल लूटा जा रहा है, लोग यहाँ के चोर हैं, ये नियम रहा है। भाई पेट दिया है पर उसका ये मतलब नहीं है कि भाई कुआ बोलता ना, लेकिन ऐसा हो चुका है ना, मक्का छोड़ के कुआ बना लिया भाई, जितना भी डालो बस उतना ही लोगों को कम पड़ता ही रहता है। गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ फिलहाल, तो आके यहाँ पे बैठ गया हूँ। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी और भीड़ लगी है, और मैं अकेले भी हूँ तो सामान लिया हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो ये सब जगह मैं नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। अभी मैं यहाँ पे 2-5 मिनट रेस्ट करूँगा मणिकर्णिका घाट के बाद, बैठूँगा थोड़ी देर और उसके बाद यहाँ से जाऊँगा मैं काल भैरव मंदिर। तो काल भैरव मंदिर से आपको दिखाते हैं कुछ कैसा क्या रहने वाला है, तो आइए हमारे साथ आप। यहाँ इतना बढ़िया हो रहा है उधर साइड, यहाँ पे 84 घाट बताया था इन्होंने, मतलब किनारे से उधर से शुरू हो जाते हैं घाट उस पुल के पास से, और इस पुल के अंत तक घाट ही घाट चलते हैं। और ये पास में यहीं पे है मणिकर्णिका, ये देखो जहाँ पे धुआं उठ रहा है ये मणिकर्णिका, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। और आओ चलते हैं फिर। अब मणिकर्णिका घाट से निकलने के बाद का, वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ, अब जा रहा हूँ काल भैरव मंदिर। आगे अंकल से पूछते हैं, लोगों से पूछते पूछते यहाँ तक आया काल भैरव। 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट अच्छा। ये बनारस की गलियाँ हैं। काल भैरव मंदिर आ चुके हैं, लाल बार बार से देखते हैं
जूते चप्पल पा रहे हैं तो काल भैरव मंदिर के अंदर का और हम इधर ही आ जाएं। ये काल भैरव मंदिर आ चुके हैं हम, यहाँ से इधर चप्पल पहन के जाना मना है। अच्छा हम चल रहे हैं सर, लाइक करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट दिखाएं और मैं एक इसका शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो 2 से 5 मिनट के आसपास का होगा, जिसमें मैं पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा बनारस कैसे घूमें आप। बाकी अगर आपको